एलर्जी हो तो रही है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि जब धूल आ रहा है तो आपका शरीर जो है ना उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है, डस्ट के अगेंस्ट। क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साफ सफाई पसंद कर रहे हैं, तो जो मेन एलर्जी है वो यहाँ पर है। कि डस्ट एलर्जी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से कम्प्लीटली क्योरेबल है, बिल्कुल यानी इसका जड़ से इलाज मुमकिन है। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी पेशेंट्स डस्ट एलर्जी के हमने ठीक किए हैं और 100% रिकवरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डस्ट एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस या डस्ट एलर्जी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डस्ट एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। ये एक तरह की एलर्जी है। डस्ट एलर्जी यानी डस्ट यानी धूल से एलर्जी है। बिल्कुल। तो धूल कैसी जगहों पे जनरली होती है? जब आप डस्टिंग करते हैं, घर में झाड़ू वगैरह देते हैं तो धूल निकल सकती है। पुराने कपड़ों में से जब आप झाड़ते हैं या बेडशीट जब आप झाड़ते हैं तो उसमें से धूल निकल सकती है। बिल्कुल। जब आप बाहर निकलते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो धूल तो नहीं होती उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे पोलेंस होते हैं जो बिल्कुल। पराग होते हैं फूलों के, उससे बहुत लोगों को एलर्जी होती है, तो वो भी डस्ट एलर्जी में ही काउंट होती है। और कुछ लोग जो जैसे है ना, कुछ ऑफिशियल वर्क्स जो लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे काफ़ी धूल होता है, बिल्कुल जो बस में आने जाने के टाइम पर काफ़ी धूल रहता है। बच्चों में भी काफ़ी, बच्चों में डस्ट एलर्जी की शिकायत देखी जाती है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल। भी बहुत कॉमन है। तो अब हम बताएंगे सिम्टम्स ऑफ डस्ट एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स। सिम्टम्स में सबसे जो कॉमनली जो चीज़ देखने को मिलती है वो है स्नीजिंग, यानी बिल्कुल। छींके आना। जैसे ही आप डस्ट को एक्सपोज हुए, डस्ट पार्टिकल्स को आप जैसे ही एक्सपोज हुए, आपको छींके आना चालू हो जाती है। अनकंट्रोलेबल छींके, कंटिन्यूअस आप स्नीजिंग आ ही रही है, एक के बाद एक कंटिन्यूअस स्नीजिंग आती जाती है। बिल्कुल। ये सबसे मेजर सिम्टम होता है। और स्नीजिंग जब आती है तो स्नीजिंग के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है, नाक से आपको पानी गिरेगा, आँख से पानी आने लगेगा, आँखें लाल हो जाएंगी आपकी। कई बार आंखों में इचिंग भी हम देखते हैं, नाक के आसपास ना खुजली भी बहुत आती है। अगर जो पानी जो निकल रहा है नाक से, अगर उसको एक्रिड है यानी वो एसिडिक है, तो आपको इस एरिया में पूरा आपको इचिंग होगा, लाल हो इचिंग जाएगा, जलने लगेगा, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर अच्छा, कई बार यही जो जो एक्रिड वाटर है, जो जलन वाला पानी है, वो आंखों से भी आ सकता है। बिल्कुल। और दोस्तों, कई बार अगर ये प्रॉब्लम जो है वो लिंगर करती है, वो काफ़ी टाइम तक चली जाती है, तो सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी आने लगती है, और ये चीज़ धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकती है एलर्जिक अस्थमा में, बिल्कुल है ना, एजमा में ये कन्वर्ट हो सकती है। जनरली ये सब प्रॉब्लम जो है ना, कुछ सीज़न होते हैं जिसमें ये एग्रावेट हो जाते हैं, जैसे चेंज ऑफ वेदर। चेंज ऑफ वेदर जब होता है, खासकर जब ऐसा मौसम आता है जिसमें ठीक कि है। जो इसको स्प्रिंग बोला जाता है, स्प्रिंग के टाइम पे, या हे फीवर बोला जाता है, बिल्कुल। बिकॉज कुछ पर्टिकुलर वेदर में ये बहुत ज़्यादा होता है, जब फूलों के पराग जो पोलेंस होते हैं वो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं, तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा जब हम इसकी मेडिसिन्स की चर्चा करेंगे ना, कैसे होम्योपैथी इसको जड़ से ठीक करती है। तो इसमें और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं होम्योपैथी में दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डस्ट एलर्जी या बिल्कुल डस्ट एलर्जी की होम्योपैथिक दवाइयों के दवाई बारे में। के बारे में सबसे पहली और टॉप ग्रेड मेडिसिन जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम में ना ये जो डस्ट एलर्जी रहती है ये काफ़ी सीवियर रहती है, और इसका जो मुख्य कारण है डस्ट एलर्जी होने का, आर्सेनिक के जो पेशेंट हैं इन लोगों को साफ सफाई बहुत पसंद है, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली आर्सेनिक में ना ऑर्डर की बहुत ज़्यादा डिजायर रहती है, सिर्फ क्लीनलीनेस ही नहीं, हर चीज़ व्यवस्थित यानी चाहिए, जो चीज जहां पे है वहीं पर होनी होनी चाहिए। चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं रहती है ना तो उनको बेचैनी हो जाती है, एंजाइटी उनको हो जाती है, घबराहट उनको होने लगती है, तो हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए। तो ऐसे लोगों को साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कपड़े पे थोड़ा सा भी धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए। आर्सेनिक का जो शर्ट है ना वो बहुत ही आयरन किया हुआ, नीट एंड क्लीन, और जो लेडीज होते हैं उनके कपड़े भी बहुत नीट एंड क्लीन। और उनका जो घर होता है, जो उनकी ऑफिस जो डेस्क बिल्कुल होता है, एकदम व्यवस्थित होती है। आप बिल्कुल। देखेंगे जब भी आप जाएंगे, हर चीज आपको टिप टॉप एक जगह पे हमेशा मिलेगी। कमरा पूरा सजाया हुआ, ऑफिस पूरा सजाया हुआ मिलेगा आपको उनका। तो यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात है कि एक्चुअली यहाँ पे जो एलर्जी है ना, वो एलर्जी
हो तो रही है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जब धूल आ रहा है तो आपका शरीर जो है ना उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है, डस्ट के अगेंस्ट। क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साफ सफाई पसंद कर रहे हैं, तो जो मेन एलर्जी है वो यहाँ पर है। जो जो नफरत है ना मिट्टी से, धूल से, उसकी वजह से आपका शरीर उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि शरीर जो है ना वो हमेशा मन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। आपका मन जो चाहेगा आपका शरीर वैसा ही बनेगा। आपके मन को, आर्सेनिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके मन को धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, नफरत होती है उनको। तो वही चीज उनकी बॉडी को भी हो जाती है, उनकी बॉडी को भी धूल से नफरत होने लगती है। और धूल से नफरत होती है तो धूल के अगेंस्ट एक रिएक्शन डेवलप करती है बॉडी, इसी को हम एलर्जी बोलते हैं। तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं ना, होम्योपैथी से इसीलिए क्योर होते हैं क्योंकि होम्योपैथी हमेशा नेचर पे, माइंड के लेवल पे काम करती है। और जो दो नफरत है, जो घृणा है ना धूल से, वो कम होने लगती है उस चीज को। धीरे धीरे होम्योपैथिक मेडिसिन नॉर्मलाइज करने लगती है। बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है कि उस इंसान को फिर आगे चल के धूल से प्यार हो जाता है और धूल मिट्टी में रहने लगता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उस चीज को नॉर्मलाइज, मतलब उसको ये हो जाता है कि कोई बात नहीं, अब धूल ही तो है, झाड़ दिया, साफ हो गया। अब देखिए परसेप्शन बदल जाता है। पहले तो ये लगता है कि धूल से नफरत है, फिर उसको ये लगता है चलो धूल ही तो है, कोई बात नहीं। फिर बॉडी जो है वो एलर्जी को अपने आप ठीक कर लेती है, ये चीज जैसे ही माइंड शांत होता है। अच्छा, इसका जो एलर्जी होता है ना, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि शारीरिक सिम्टम्स क्या होते, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बर्निंग जो है ना वो आर्सेनिक का प्रोमिनेंट फीचर है, जलन। तो नाक के आसपास में जो जो डिस्चार्ज रहता है वो काफी जलन होता है उसमें। बिल्कुल, स्टफी टिकलिंग फीलिंग, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भरा हुआ है और कुछ कंजेशन सा फील होता है, कंजेशन सा फील होता है, टिकलिंग जैसा फील होता है, जैसे कुछ सुरसुरी टाइप का हम बोलते हैं ना, इस तरह की फीलिंग उनको रहती है। स्वेलिंग बिलो आईज, आंखों के नीचे स्वेलिंग रहती है। वीजिंग कफ, जो कफ होती है उनको, उसमें वो सुई सुई वाले एक साउंड रहता है, साउंड होता है जब वो सांस लेते हैं तो एक छाती से एक साउंड आती है, साउंड रहता है। और आर्सेनिक के पेशेंट जो है वो रेस्टलेस रहते हैं, बेचैनी उनको रहती है, एंशियस रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, और उसकी वजह से वो थक भी जाते हैं। तो ये जो है ना, ये आर्सेनिक का सिम्टम है। इस तरह का अगर आपका नेचर है, इस तरह के अगर आपके सिम्टम्स है, तो आप आर्सेनिक लेके देखिए। आई एम श्योर कि आपको आर्सेनिक ये प्रॉब्लम ठीक कर देगी, ये बिल्कुल आपको जड़ से ठीक कर देगी। अगर साथ ही साथ अगर एलर्जिक अस्थमा भी हुआ है तो एलर्जिक अस्थमा भी ठीक हो जाएगा अगर आर्सेनिक का नेचर है तो। तो आर्सेनिक आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। 200 पोटेंसी में दो बूंद सुबह सुबह खाली पेट में दो दिन आपको लेना है। बिल्कुल, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो हर महीने आपको दो दो डोज करके कंटिन्यू करते जाना है। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है नेट्रोम्यूर। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बिल्कुल। नेट्रोम्यूर भी दोस्तों, जैसा हमने बताया, आर्सेनिक एल्बम साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नेट्रोम्यूर भी थोड़े डिग्निफाइड लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं। इनकी जो जो एलर्जी डेवलप होती है वो इस तरह से होती है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि ये साफ सफाई पसंद करते हैं। जहाँ पे इनको गंदगी दिखती है या इनके बॉडी में जहाँ गंदगी लग जाती है, इनको ऐसा फील होता है कि ये इनकी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है। बिल्कुल, इनकी डिग्निटी हर्ट हो रही है क्योंकि वो गंदा है और गंदगी की वजह से इनको इनकी डिग्निटी हर्ट होती है। बिल्कुल, और जहाँ डिग्निटी हर्ट होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे नेट्रोम्यूर इज द बेस्ट मेडिसिन। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर डिग्निटी हर्ट होने की वजह से प्रॉब्लम्स चालू होती है तो नेट्रोम्यूर इज द फर्स्ट मेडिसिन जो आपको, जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए कैसे माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे एलर्जी जो है ना वो मन के साथ जुड़ी हुई है। तो प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज वो गंदा है, वो गंदगी है, तो गंदगी जो है वो डिग्निटी को हर्ट कर रही है। वो गंदगी जो है उसका जो व्यक्तित्व है ना उस पर एक धब्बा पैदा कर सकती है, इसीलिए वहाँ पे वो नफरत, धूल मिट्टी से नफरत आ रही है। और वो जब होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं वो माइंड के लेवल पे काम करती है और उस चीज़ में कमी आती है। नेट्रोम्यूर का अगर व्यक्तित्व है, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, काफ़ी हमने चर्चा किया है। नेट्रोम्यूर का सबसे गाइडिंग सिम्टम हो सकता है नमक खाने की क्रेविंग, नेट्रोम्यूर में डिग्निफाइड पर्सनैलिटी, इसको याद रखिए। तो नेट्रोम्यूर भी बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, तो 200 की दो डोज, दो दिन सुबह खाली पेट में लीजिए और उसके बाद आप देखिए कैसा जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको रिपीट भी करिए। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है ना वो है एलियम सेपा। एलियम सेपा जो है आप बोल सकते हैं कि ये एक रामबाण दवा है,
डस्ट एलर्जी की। एलियम सल्फा एक ऐसी दवा है जो कोई शॉर्ट एक्टिंग है, ये क्या है कि आपको तुरंत रिलीफ देगी लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं करेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींके वगैरह आती है तो आप इसको, इस मेडिसिन को लेके शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ आप पा सकते। बिल्कुल दोस्तों, आपको हम एक चीज़ गारंटी देके बोल सकते हैं, किसी भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है एलियम सल्फा और बहुत जल्दी काम करती है। कई बार ऐसे केसेस हमारे साथ हुए हैं कि हमने मेडिसिन जीभ पे दिया और विद इन सेकेंड्स, विद इन 2 to 3 seconds नाक जो है वो हल्का हो गया। बिल्कुल, है ना, तो इतना फास्ट एक्ट करती है, फास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। बिल्कुल, तो इसके जो मेजर सिम्टम्स है वो मैं बता देता हूँ। जैसे एलियम सल्फा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको छींके बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल छींके आती है, छींक के साथ स्नीजिंग के साथ साथ नाक से पानी गिरता है, ऐसा पानी गिरता है जो कि बहुत एक्रीड होता है, बहुत जलता है इस एरिया में, जैसे आर्सेनिक में होता है, जैसे आर्सेनिक में, और जो कि एलर्जिक राइनाइटिस का कॉमन सिम्टम भी है। साथ ही साथ ना आँखों में से भी पानी गिरता है, इचिंग आईज होती है, आँख रेडनेस ऑफ आईज होती है, आँखें लाल हो जाती है, आँखों में से पानी गिरता है। एलियम सल्फा के पेशेंट्स को स्नीजिंग से बहुत रिलीफ मिलता है। एलियम सल्फा 30 potency में, 30 potency में आपको लेनी है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार या फिर हर 1 घंटे आधे घंटे में भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपको रिलीफ नहीं मिल जाए। बिल्कुल दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ का जो मेन एग्रावेशन होता है ना, डस्ट एलर्जी का हो गया या जो भी सिम्टम्स आते हैं नेट्रम सल्फ के, ये मॉइस्चर के पीरियड में आता है। तो मॉइस्चर का पीरियड कब है, जो रेनी सीजन है, बारिश का जो मौसम है, इस मौसम में नेट्रम सल्फ के सिम्टम्स बाहर आते हैं। दूसरी बात है, मॉइस्चर ऐसी एरियाज में भी रहता है, जैसे मान लीजिए जो कोस्टल एरियाज हैं, तो अगर कोई ड्राई वेदर का पेशेंट अगर कोई कोस्टल एरिया में चला जाता है उसको सिम्टम्स बाहर आ जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यूस अगर आप मॉइस्चर वाले एरिया में, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, या आपके घर के आसपास कोई तालाब है या कोई नदी है, या आपका जो घर है वो डैम्प रहता है, तो बहुत लोगों को कंटिन्यूस ऐसे वातावरण में रहने की वजह से भी एलर्जी डेवलप हो सकती है। अगर इस तरह से आपको एलर्जी डेवलप हुई है तो डेफिनेटली नेट्रम सल्फ आपको बहुत हेल्प कर सकती है। नेट्रम सल्फ का जो डिस्चार्ज होता है, जो नाक से पानी गिरता है, वो कुछ कुछ ग्रीनिश येलो टाइप का होता है। बिल्कुल दोस्तों, और जैसा कि हमने बताया, चेंज ऑफ वेदर में नेट्रम सल्फ का जो एग्रावेशन देखा जाता है, बेटर ड्राई वेदर, जहाँ पे सूखा एरिया है ना, सूखा एरिया जहाँ पे नमी का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल सूखा है मौसम, ऐसे मौसम में ये लोग बढ़िया रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर राजस्थान में कोई नेट्रम सल्फ वाला पेशेंट चला जाए तो उसको बिल्कुल भी ठीक रहेगा, वो एकदम नॉर्मल नॉर्मल रहेगा। अगर वही आदमी बॉम्बे चला गया तो वहाँ पे उसको दिक्कत होगा, क्योंकि कोस्टल एरिया है ना, नमी है वहाँ पर, तो ड्राई वेदर जो है वो पसंद करते हैं। मेन जो कॉज रहता है वो है डैम्प वेदर की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आप नेट्रम सल्फ 200 potency में सुबह सुबह खाली पेट में 2 दिन तक लीजिए, फिर आप नोटिस करेंगे कि आपके सिम्टम्स में सुधार आता है। अगर ऐसा होता है तो हर महीने 2-2 डोज आप रिपीट करते जाइए। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन और लास्ट मेडिसिन है फॉर डस्ट एलर्जी, वो है हिस्टामिनम 30। बिल्कुल, हिस्टामिनम एक ऐसी मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन प्रिपरेशन होती है हिस्टामिन जो बॉडी में पाया जाता है उससे तैयार होती है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए। बिल्कुल, जब ज़्यादा हिस्टामिन सिक्रीट होता है तो एलर्जी के सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं, तो उसी सिक्रीशन से ये दवाई बनाई गई है हिस्टामिनम 30। तो जब किसी भी तरह की कोई एलर्जी होती है तो हिस्टामिन मेडिसिन जब आप लेते हैं तो आपको किसी भी एलर्जी के सिम्टम्स में ग्रेजुअली कमी दिखती है। बिल्कुल, तो इस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू लेना है 30 potency में, दिन में 2 बार सुबह शाम आपको कंटिन्यूसली लेना है आपकी एक्चुअल मेडिसिन के साथ साथ। बिल्कुल, जैसे हमने बताया एलियम सल्फा जब आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिलीफ चाहिए, थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो आप उसको ले सकते हैं अपनी ओरिजिनल मेडिसिन के साथ, सेम इसी तरह हिस्टामिन आपको लेना है आपकी ओरिजिनल मेडिसिन के साथ, बट इसको आप कंटिन्यूसली ले सकते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे दे रखे हैं, एक छोटी सी फीस देकर आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके बाद हम आपकी मेडिसिन जो है आपको देंगे और आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कोई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। बिल्कुल, तब तक के लिए थैंक यू।